मैं सैक्टर 8 विच मौजूद हाँ, यानी कि चंडीगढ़ विच मौजूद हाँ, जिथे तुसी देख रहे हो कि ला गोफर्स नाम की कैफे हैगा ते बहुत फेमस वॉफल्स ने, 25 तो उपर इन्हां दे वॉफल्स ने। होर भी कई सारे कंसैप्ट ने, जिदा शेक्स हो गए, मोजिटोस हो गए, तो सब तो वड्डा कंसैप्ट इन्हां कोल हैगा सौ डो सैंडविचिज़ जो कि तुम चंड पूरे चंडीगढ़ में कितने नहीं मिलते। कंसैप्ट है असं चंडीगढ़ 6 साल पहले अपना लॉन्च किया। चंडीगढ़ के उस टाइम ज़्यादा लोग वॉफल नहीं जानते थे, तो एक नई टाइप की क्यूजीन सी, नए टाइप का खाना सी, जिहड़ा लोग न क्योंकि लोगों को होंगे कि हर टाइम आप कुछ नया नवा लभी तो नवा खाइए, तो उस हिसाब न लोगों को कुछ नया चाहिए सी मार्केट के, एक कंसैप्ट भी नहीं, तो आप कंसैप्ट लेके आए थे मार्केट के। तुसी देख रहे हो आज़ाद टीवी न्यूज़ चैनल, मैं हाँ बिनू शर्मा। तुसी सोच रहे हो कि रात का समय से कितने खड़े हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग जगह है। सैक्टर 8 असी चंडीगढ़ में मौजूद है, जिथे लॉ गोफर्स नाम का वैफल कंपनी तुसी देख रहे हो आज़ाद टीवी न्यूज़ चैनल, मैं हाँ बिनू शर्मा। रात का समय तुसी सोच रहे हो कि मैं कितने, समय मैं सैक्टर 8 में मौजूद हाँ, यानी कि चंडीगढ़ में मौजूद हाँ, जिथे तुसी देख रहे हो कि लॉ गोफर्स नाम की कैफे हैगा, तो बहुत फेमस वॉफल्स ने, 25 तो उपर इन्हां दे वॉफल्स ने, तो होर भी कई सारे कंसैप्ट ने, जिदा शेक्स हो गए, मोजिटोस हो गए, तो सब तो वड्डा कंसैप्ट इन्हां कोल हैगा 100 डो सैंडविचिज़ जो कि तुहानूं पूरे चंडीगढ़ में कितने नहीं मिलेगा। जेकर मिलेगा तो चंडी तुहानूं बॉम्बे या दिल्ली वर्गे शहर में मिलेगा। तो इस खास मौके से गलबात कर ली, मेरे नाल मौजूद ने अतुल चंद्रा जी, जो पिछले 6 साल तो इस कैफे को चला रहे हैं। होर की कुछ खास है, आ मेरे सामने रिची रिच वॉफल पे जो काफ़ी इंट्रस्टिंग देखने में बहुत सोहना लग रहा है, बहुत सोहनी इन्होंने डेकोरेशन की हुई है। आई होप जिन्नी वधिया डेकोरेशन हुई है उन्ना ही खाने में टेस्टी होएगा। तो अतुल जी नाल असी खास मौके की गलबात करांगे, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैम अतुल जी, जिदा मैं कहा कि अपने आप से एक डिफरेंट कंसैप्ट है वॉफल्स का, कंसैप्ट पूरे चंडीगढ़ है डिफरेंट डिफरेंट नाम तो, पर जो कंसैप्ट थोड़े को वो काफ़ी वक्र है। जो मैं चीज़ नोटिस की है, जिदा सैंडविचिज़ हो गए या होर चीज़ा हो गई, किदा है कि अदा का कंसैप्ट चंडीगढ़ वर्गी सिटी में लैके आया जाए जी? ये जो कंसैप्ट है असं चंडीगढ़ 6 साल पहले अपना लॉन्च किया, तो चंडीगढ़ के उस टाइम ज़्यादा लोग वॉफल नहीं जानते थे, तो एक नई टाइप की क्यूजीन सी, नए टाइप का खाना सी, जिहड़ा लोग न क्योंकि लोगों को होंगे कि हर टाइम आप कुछ नया नवा लभी तो नवा खाइए, तो उस हिसाब न लोगों को कुछ नया चाहिए सी मार्केट के, एक कंसैप्ट भी नहीं, तो आप कंसैप्ट लेके आए थे मार्केट के, जो हेल्दी भी सीगा तो नाले टेस्ट भी वधिया सीगा। ओके, तो जिदा मैं गल की कि 25 प्लस वॉफल्स ने, अलग अलग वरायटीज़ ने, है ना, जिदा थोड़े आप इतने पढ़ सकते हैं कि काफ़ी ने, रिची रिच है, किंडर जॉय है जो बेस्ट सैलिंग ने, तो कुछ नवे भी ने, तो इन्हों चीज़ों से एक्सपैरीमेंट करना भी एक अपने आप टास्क होंगे कि हर दिन तुम नवा टेस्ट है, क्योंकि कई लोग फिटनेस अलर्ट भी ने जिन्होंने घट मिठा चाहिए, मिठे जी मात्रा लिमिट है, तुम कि ध्यान रखते हो, सिरप्स भी पाते हो, होर भी कई चीज़ें ऐड ऑन कर दो जी? वो डिपेंड करता कस्टमर की टेस्ट कि जो कस्टमर का टेस्ट बड होंगे, आप उसी हिसाब से कस्टमर प्रैफर करते हैं कि उसी हिसाब न खाना खिलाइए, जिन्होंने कई लोगों को ज़्यादा मीठा का खाना पसंद है, न्यूटेला जी होती है, भुख ज़्यादा लगती है, फिर न्यूटेला उन्होंने ज़्यादा पसंद होंगे, चॉकलेट खाना पसंद करते हैं ज़्यादा, तो आप वॉफल्स भी उसी हिसाब न अपनी जी टॉपिंग्स है आप उसी हिसाब न कस्टमर रिकमेंड करते हैं कि तुम ये खा सकते हो। जिदा तुम पहले भी दस कि साढ़े को 25 तो ज़्यादा अलग अलग टाइप के वॉफल ने, तो उसी चीज आप ट्राई करते हैं कस्टमर जी भी कस्टमर की नीड है जी जनू खाण का चाहिए है, आप उ चीज़ उन्होंने सर्व करिए तो सैटिस्फाई होकर जाइए। अपना वॉफल्स रहा मतलब जी 100 डो सैंडविचिज वर्गा कंसैप्ट चंडीगढ़ से मैंने लगता नहीं किसी को होगा, जिदा या तो आप बॉम्बे दिल्ली वर्गी सिटी से जाइए तो उत्थे मिलेगा अपन, वो भी बड़ी रेयर जी प्लेसिस से, तो यह कंसैप्ट कि माइंड में है कि 100 डो सेवरी वेफल्स मतलब कॉम्बीनेशन वक्र है, क्रेप्स भी ने काफ़ी कुछ है जी। जो सारडो सैंडविचिज है, सारडो बेसिकली एक ब्रैड द टाइप ही होंगी है, जो नॉर्मल तुम किसी भी कैफे के किसी भी अपना सैंडविच पार्लर जाते हो तो मेजरली होंगे नॉर्मल ब्राउन ब्रैड ही मिलती है, तो या फिर अपने नॉर्मल ब्रैड के सैंडविच खा लो, या फिर अजकल ज़्यादा पता पता ही है कि लोग सबवे के उत्ते ज़्यादा ध्यान देंगे, बेसिकली लोग हेल्दी के ऑप्शन ज़्यादा देखते हैं, जी सारडो ब्रैड हैगी हेल्दी भी हैगी, तो आप उ सारी अपना फीलिंग्स करते हैं जी फ्रैश वैजिटेबल्स ही होंगी है, तो ना ही कस्टमर की डिपेंड करता है टॉपिंग उन्हें कि वैज से लेनी चाहे नॉनवेज से लेनी है, तो आप ट्राई ही करते कि कस्टमर हेल्दी तो हेल्दी खाना देिए तो उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं उस हिसाब से। जिदा मैं गल की लगभग 6 साल हो चुके हैं ना, 6 साल
फूड इंडस्ट्री में की बदलाव देखे 6 साल जेकर गल करिए टेक्नोलॉजी वाइज हो काफ़ी चीज़ एडवांस भी हो गई। तो दूसरे पास करोना हो चाहे ना होकर सेहत या हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी हैगी है प्लस साफ सफाई का भी ध्यान रखे हुआ है जी। साफ सफाई तो देखो जी तुम रेस्टोरेंट काम करते हो हमेशा ये सबसे पहले थोड़ी मेन एम ही यही होंगे कि तुम अपनी सफाई का ध्यान रखो कि कस्टमर की हेल्थ साढ़े लिए सब तो पहले हैगी है। तो अपना जो टेस्ट दे भी आते हो तो और जो मैंने पहले पूछे कि 6 साल हो गए जी 6 साल के मार्केट तो इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई है। पहले लोगों को इन्ना फूड के बारे पता नहीं होता लेकिन अज के टाइम इंटरनेट और सोशल मीडिया इन्ना है कि लोग सारे फूड के वल ज़्यादा ध्यान देंगे। अजक इंस्टाग्राम देख लो लोग अलग अलग रील पोस्ट करते हैं कुछ नया खाने की जगह खुलती है उत्ते भी लोग अपने पोस्टिंग करते हैं तो लोग अपने अपने आपू ब्रांड भी दे उस फॉर्म के भी अपना प्रमोशन करते हैं तो प्लस लोगों को दिखाते हैं कि असं की सर्व कर रहे हैं तो अपने साड़ी भी उही रहिंदी कि लोगों को ज़्यादा तो ज़्यादा अवेयर करिए प्लस जिहड़ी लोगों की डिमांड हैगी है जो जो लोग जो जिस टाइप का खाना लभ रहे हैं या फिर जो उन्होंने खाना जो हेल्दी भी हैगा उन्होंने असी उ चीज़ को अपना ध्यान ज़्यादा रख के उन्होंने उही सर्व करते हैं तो उन्होंने हेल्थ के बारे ज़्यादा ध्यान रख गल करिए आस पास ही मार्केट सारे फूड आउटलैट्स ही ने बेसिकली मोस्टली किसी किस्म का कॉम्पीटिशन फील कर दो जिदा चाउस भी आ गए इधर होर ब्रांड्स ने देखो जी कॉम्पीटिशन जो है वो मार्केट लिए हमेशा ही वधिया होंदा है कोई दूजा कॉम्पीटिशन भी आएगा तो लोग भी उन्होंने भी ट्राई करेंगे साडा भी ट्राई करेंगे तो लोगों ना एक आइडिया हो जाता कि जिहड़ी क्वालिटी असी सर्व कर रहे हैं या जिहड़ी क्वालिटी वो दूजा बंदा सर्व कर रहा है उस कंपैरिजन की हैगा। वॉफल्स वाले जिवें आप गल करिए चंडीगढ़ आर्ट सैक्टर के बहुत रेस्टोरेंट हूँ अज तो 6 साल पहले असी सी साढ़े बाद मतलब गैस डिजर्टिड आया अंकल जैक्स आया और आइसक्रीम आइसक्रीम पार्लर के एक दो और भी ब्रांड आए बेल्जियन वॉफल आया तो ये सारे ब्रांड आने तो बाद भी असी यही रिकमेंड करते हैं रिकमेंड भी की कही आप वही कस्टमर प्रैफर करते प्लस कस्टमर साढ़े को मुड़ के वापस आता क्यों क्योंकि असं उन्होंने वही सेम क्वालिटी सर्व कर रहे हैं या सेम टेस्ट बस दे रहे हैं जो लोगों को और कित नहीं मिलता। साढ़े जो वॉफल्स ने सारे होल वीट से है एगलेस ने ठीक है प्लस लोग अजक हेल्थ कॉन्शियस देखते भी हैं प्लस साढ़े को ऑप्शन इन्ने है असी फ्रेश फ्रूट्स से भी सर्व करते हैं असी चॉकलेट से भी सर्व करते हैं असी उन्होंने क्लासिक अमेरिकन ब्रेकफास्ट भी करते हैं। अजक तुम्हें पता है लोग जिन्हें एजुकेटेड होते जा रहे उन्होंने अपनी डाइट के बारे अपने हेल्थ के बारे ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो उसी हिसाब न कस्टमर को उही सर्व करते हैं जो उन्होंने बेस्ट है। तुम्हें लगता कि जिदा अजक की नौजवान पीढ़ी ज़्यादातर बर्गर पिज़्ज़ा वाल ज़्यादा फोकसड है KFC है मैकडी हो गया कई सारी चीज़ें हो गई कॉफ़ी लवर्स भी ने दैट इज़ फाइन पर लगता कि इदा का फूड है जिदा मैकडी होगा KFC कोई भी ब्रांड है थोड़ा लगता कि रोज़ाना उ चीज़ में बार बार रिपीट करना हैल्थली हार्मफुल हो सकता है। वॉफल्स आर हैल्दी पर आप इनू भी मतलब जे कुछ ज़्यादा खा भी रही है पर नुकसान नहीं है हैल्दी है फ्रूट्स ने क्रीम है नॉर्मल है पर वट अबाउट पिज़्ज़ा बर्गरस KFC ये तो चीज़ें हार्मफुल ने अपनी सेहत वास्ते कितना कितने देखिए जी खाने की हो जाता कोई भी चीज़ जिनी ज़्यादा वो खाते हो तो सेहत उन्ना ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैगी। जे तुसी डेली मैदा दी रोटियां खाओगे घरों बाहर रोटी खाओगे तो तुहानू पता ही है तुहाडा पेट भी खराब होना तो तुहाडी हेल्थ भी खराब होनी है तो लोगों को अज की डेट के आपां उही रिकमेंड करते हैं कि तुसी हेल्दी खाना खाओ प्लस जिदा मैं तुहानू पहले भी कहा मैं साडे असी होल वीट एंड वॉफल सर्व कर देना प्लस लोगों को कई होंगे क्योंकि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जो बाकी भी है होल वीट नहीं वह मैदे मिक्सचर यूज़ करते हैं तो प्लस अपना क्वालिटी में मैं उन्होंने मैं नहीं कह सकता देखो लोगों की हर किसी की अपनी अपनी काम है पर सानू पता जिड़ी आप क्वालिटी सर्व कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से कोई और नहीं करता। जेकर आप गल करिए जिदा क्रेप्स में पहला भी गल की सेवरी क्रेप्स ने ना बहुत वखरा कंसैप्ट है इंटरेस्टिंग फैक्टर की रहता है जब आप वॉफल बनाने तुम्हें दसा कि 3.5 मिनट भी तुम रेडी कर देंगे 3.5 मिनट ही लगते हैं ज़्यादा नहीं ऑन द स्पॉट ही रेडी कर दो कि हॉट है जिदा कि विंटर्स भी आ रहे हैं फेस्टिवल सीजन है दशहरा भी आ रहा है दिवाली भी आ रही है तो उस चीज़ में तुम फर्स्ट प्रायोरिटी मान के तो अगे कि आइटम तुम मतलब प्रिपेयर करो जी हाले पाइपलाइन में ने हाले पाइपलाइन जो साढ़े को काफ़ी सारी आइटम ने प्लस आप जिदा तुम ट्रेंड कह रहे हो दशहरा भी आ रहा फेस्टिवल सीजन भी आ रहा फेस्टिवल सीजन लिए भी आप कुछ ना कुछ नवा और प्लस वक्रा एक कस्टमर लेके आवेंगे प्लस हेल्दी भी होगा जो जो उन्होंने सेहत के लिए जो तो वो रोज़ भी खा सकें तो प्लस अपने किसी क्योंकि फेस्टिवल का टाइम हैगा कोई भी बाहर जाता है तो तुम्हें पता अज के टाइम के हर आइटम के कितनी मिलावट मिलती है तो आप नहीं चाहते कि लोगों की हेल्थ खराब होए तो उन्होंने सर्व तो बेस्ट करांगे प्लस जिहड़ा भी कस्टमर आंदा ही है अज दे फेस्टिवल सीजन च कोई ना कोई हर कोई अपने घर वापस आंदा है तो जो बंदा अपने घर वापस आऊगा तो उन्होंने पता होंगे कि मैंने की खाना की नहीं खाना। जेकर स्ट्रगल की गल करिए हर एक इंसान कोई भी फील्ड स्ट्रगल करनी पैंती है जो स्टार्टअप किया आर्ट सैक्टर
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3B12 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ 3B12 ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ 8 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਫਲ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਫਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਫਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਫਲ ਦੀ ਸ਼ੋਪਸ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਹੋ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ, ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੋਪ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜੇ ਰੀਜਨੇਬਲਸ ਨੇ, 210 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 210 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਫਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਕਲੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਅਲਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਚੋਕਲੇਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੋਕਲੇਟ ਆਪਣੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਲਜਨ ਡਾਰਕ ਚੋਕਲੇਟ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲਜਨ ਵਾਈਟ ਚੋਕਲੇਟ ਹੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਨੂਟੇਲਾ ਹੋਗੀ, ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਟੋਪ ਤੋਂ ਟੋਪ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਗਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਸਕਣ। ਪਲੱਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਲੱਸ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮੈਨਿਊ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਕਿ ਐਡ ਆਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨਿਊ ਕਾਰਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਲਵਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੀਕਰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਤੁਲ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਲੋਗ ਆਫਰਸ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਫਲ ਕੈਫੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਚੀ ਰਿਚ ਪਿਆ ਵਾਫਲ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਬਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਫਲਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਚੱਖੋ, ਸੈਕਟਰ 8 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਫੂਡ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਲੋ ਆਫ ਗੋਫਰਸ, ਤਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਫਲਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੋਡੋ ਸੈਂਡਵਿਚਿਸ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਰੇਪਸ ਨੇ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਫਲਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ।